वेलकम बैक इंजीनियर जोकि यती में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये जो पीछे आपकी बिल्डिंग नजर आती है इसी में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन चालू है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे उसकी ओरिजिनल कॉपी देखी जाएगी और जो लेने लायक होगा उसको रखा जाएगा। जैसा आपका कैरेक्टर है, आपका माइग्रेशन है, वो रख लिया जाता है ओरिजिनल। बाकी जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स उसकी फोटो कॉपी ली जाती है, ओरिजिनल देख के आपको वापस रख दिया जाता है ओरिजिनल। तो बीए वालों का हो चुका है, एमए वालों का भी हो चुका है, उनकी जो उनका जो हॉस्टल था वो भी अलॉटमेंट हो चुका है। अब उनको रूम अलॉटमेंट पाती है, वो जाकर अपने हॉस्टल में केयर टेकर से मिलकर जो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो फीस करना उसको डिपॉजिट करके सिक्योरिटी फीस 6,000 समथिंग होती है उसको करके अपना रूम अलॉट करवा सकते हैं। अब पीएचडी वालों का चालू है, बच्चे आ जा रहे हैं अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ये तरीका होता है वेरिफिकेशन का जो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें तब भी वेरिफिकेशन आपका होगा इसी तरीके से। अब हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग अपने सेकंड पेपर में वीक हैं, उनकी जुबान अच्छी नहीं है जैसे अरबिक है, तो क्या वो किसी दूसरे जुबान का सहारा ले सकते हैं? क्या किसी दूसरे जुबान की हेल्प से उस अपने दूसरे पेपर को, उस सेकंड पेपर को अच्छा कर सकते हैं? अगर यूजीसी नेट जार का दे रहे हैं तब भी सेकंड पेपर है, जिन्हों का एमए का दे रहे हैं तब भी सेकंड पेपर अरबिक है, और ऐसे ही अगर आप पीएचडी का दे रहे हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का अरबी का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी अरबी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर जो है उसको कैसे मजबूत करेंगे, अपने नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे अगर आपको अरबी नहीं आती है? तो इसमें मैं बहुत सारी वीडियो से पहले भी बना चुका हूँ, मैं इसे पहले बताया हूँ कि देखो ऐसा है कि आपको अरबी में जो समझ में आए उसको लिख लीजिए, जो नहीं समझ में आए वो किसी से पूछ लीजिए। लेकिन इसका अच्छा सा तरीका है, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देखते हैं, जो पॉइंट्स यूट्यूब बताता है कि यह है ना ऐसा सीखा जाता है, आप उसको लिख लीजिए, फिर आप उसको उर्दू जुबान में पढ़िए, उर्दू जुबान में जो अहम लगता है उसको उर्दू में ही लिख लीजिए। बाद में फिर आप किसी से डिस्कशन करेंगे, कोई वीडियो सुनेंगे और कहीं ना कहीं आपको उसकी जो अरबी वाला जो वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा और अरबी में भी आप समझ जाएंगे किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि इमरुल कैस के बारे में जयानी अभी सगीरन व हमलनी दमहु अभी कबीरन, ये बार बार कहा जाता है। अब सगीरन को हर किसी को पता है कि छोटे के माने में होता है। अब कोई ऐसे कि मेरे बाप ने छोटे में बचपन में मुझे जाया कर दिया, बड़े होकर मेरे ऊपर अपने खून का बोझ ला दिया, तो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब सेंस अगर उर्दू में आपको पता होगा तो अरबी में पढ़ के जब से आप पकड़ लोगे, हाँ यही शायद कुछ कह रहे हैं। उसका सबसे अच्छा सा तरीका है कि आप उर्दू जुबान में पहले उसको क्लियर करो, फिर आप अरबी में किसी से डिस्कशन भी करेंगे, किसी से भी सुनेंगे भी, तो आप उसको मैच कर ले जाएंगे कि हाँ यही वो लफ्ज है, यही वो चीज़ है जो यहाँ पूछना चाह रहे हैं। तो उर्दू में अपने तारीख अदबी अरबी को, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर को, जेनू के लिए हो, ओजेसिनल जारेफ के लिए हो, जानिया के लिए हो, पीएचडी के लिए हो, जहाँ कहीं कभी हो अरबी का लिटरेचर आपको पढ़ना है, तो उर्दू में सबसे अच्छी किताब अब्दुल हलीम नदवी की है। अरबी अदब की तारीख जो है उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है वो, और वो 4 जिल्दों में है। पहले तो असर जाहिली है, फिर उसमें मुखजरम है, उसके बाद फिर उमवी है, फिर उसके बाद उसमें अब्बासी, उन्होंने स्थिर करके अब्बासी नहीं लिखा है, मॉडर्न ज़माने पर लिखा, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं है, बस जाहिली, मुखजरम शुरा, और इसी तरीके से शुरा उस साली, और जो दूसरा है उमवी, वो पढ़ लीजिए आप, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर जेएनयू में भी देना है एमए के लिए तब भी वो आपको तैयारी करनी होगी, पीएचडी का देना है तब भी तैयारी करनी है, या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है तब भी तैयारी करनी है। अगर आपको अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको मजबूत करना है तो उसके लिए आपको इन किताबों का सहारा लेना बिल्कुल ज़रूरी है, बिना इसके आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं अगर आपको अरबी ज़ुबान अच्छी तरीके से नहीं आती। तो अब्दुल हलीम नदवी बहुत अच्छी किताब है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको ख़रीद सकते हैं। दिल्ली में भी अवेलेबल है, लखनऊ में भी अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उर्दू में है और आपको मज़ा भी आएगा। मतलब इन्होंने तर्जुमा नहीं किया है किसी किताब का, इन्होंने डायरेक्ट उसको लिखा है। बड़ी बड़ी किताबों से अगानी है सिखाने की, जाहिज के अलबयान व तबयीन है, ऐसी बड़ी बड़ी किताबों से लेकर इन्होंने उसको लिखा है। दूसरी सबसे अहम किताब जो है, जो अलअदबुल अरबी अलमुआसिर फी मिस्र शौक़ ज़ैफ़ की जो किताब है, इसका तर्जुमा उर्दू में डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम ने किया है जदीद अरबी अदब के नाम से, वो भी मौजूद है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अलीगढ़ में भी मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है, लखनऊ में भी मौजूद है, बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, वहाँ से खरीद के इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और इसको अरबी वाला वर्जन और उर्दू वाला साथ में रख के पढ़ें तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, और जो पॉइंट्स होंगे आप उसको लिख सकेंगे, चाहे तो उर्दू में चाहे तो अरबी में। आपको क्वेश्चन समझ के उसका सही आंसर देना है, वो आपसे नहीं पूछेगा आप कहाँ से तैयारी करके आए थे, किसकी किताब पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, वो आपसे पूछने वाले नहीं।
तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, और जब आपको समझ होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। अब दूसरी बात यह है कि ये हो गई दो किताबें। इसके अलावा अब्दुल हलीम नदवी के अलावा, डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम के अलावा एक और किताब है जो कि शौकत ज़ैफ की जो दसों जिल्दें हैं, असर जाहिली, असर उमवी, अब्बासी, ये सारे अंदलुसी, इन सारे दौर पर जो तारीख अदरबी लिखी गई है वो बहुत लेंदी है। एक एक राइटर के बाद उन्होंने 30-30, 35-35, 40-40, 46-46 सफ़ात लिखे हैं, उतना पढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो इसको इन्होंने इख्तसार किया है, डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी ने उर्दू जुबान में इसका इख्तसार किया है। मुख्तसर तारीख अदरबी है शौकत ज़ैफ की, उसको उर्दू में अच्छे तरीके से पेश किया उन्होंने। तो सारा जो एडिशन है वो मकतबा फ़हीम मऊ वालों ने बहुत पहले ही उसको पब्लिश कर दिया है। वो अलीगढ़ की लाइब्रेरी में मौजूद है, दिल्ली में भी कई कुतुब खानों में मौजूद है, वहाँ से आप हासिल करके पढ़ सकते हैं अगर चाहें। वरना आप अब्दुल हलीम नदवी, डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम और ऐसी ही जदीद अरबी अदब पर एक किताब डॉक्टर फौजान साहब ने भी लिखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। इसके अलावा हसन ज़याद की जो किताब है उसका उर्दू वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में, आप अरबी के साथ मिला के उसको टैली करके पढ़ सकते हैं, या सिर्फ उर्दू पढ़ सकते हैं समझने के लिए, फिर अरबी वाला पढ़े। बस आपको उर्दू अगर ज़ुबान आती है तो आपको दूसरा पेपर मजबूत करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आप समझ जाएंगे किसी भी राइटर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो अरबी आप कितनी भी वीक है, जब बार बार आपसे अरबी में कहा जाएगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ आएगी कि हाँ हमने ऐसा पढ़ रखा है, ऐसा ये हो सकता है, ऐसा ये सही हो सकता है। तो जो बच्चे जिनकी अरबी वीक है, जिनकी अरबी इतनी अच्छी नहीं है, तो जितना वक्त नहीं कि आप अरबी भी मजबूत करें, हाँ अलग बात है कि इसमें भी जो आप ज़्यादा चीज़ें अरबी में पढ़ने की कोशिश करें, उसको माना हल करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी अरबी भी आपकी ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब तैयारी को छोड़कर अरबी पर आप लग जाएंगे, तो आपको अरबी इतनी जल्दी तो मजबूत होगी नहीं, लेकिन यह है कि थोड़े से इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगी अगर आप अरबी में मवाद पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अरबी में पढ़ने की कोशिश करें, इसमें सबसे पहले हसन ज़याद की किताब है, अब्दुल हलीम नदवी की किताब है, डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम की किताब है। इसके अलावा जो आपको फर्स्ट पोर्शन है, जैसे जीनू का अगर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अरिहंत की जनरल नॉलेज आती है, लूसन की जनरल नॉलेज आती है, अरिहंत की पतली वाले जनरल नॉलेज आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज होता है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। उन क्वेश्चन में सम टाइम जिस सब्जेक्ट से आप हैं वहाँ से भी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। वैसे सेकंड पेपर के लिए ये किताबें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। अरबी से रिलेटेड जो है वो मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले कि कैसे तैयारी करना, कौन कौन सी किताब अहम है। लेकिन जो उर्दू वाले हैं वो हसन ज़याद का तर्जुमा जो किया हुआ वो है, वो नुस्खा पढ़ें, अब्दुल हलीम नदवी की किताब जिनके पढ़ लें, और ऐसी डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम और डॉक्टर फौजान की पढ़ लें, और शौकत ज़ैफ का जो इख्तसार किया वो भी पढ़ लेते हैं, तो मोर देन एनफ हो जाता है, कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती है। बस ये है कि अरबी में आप नोट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।